हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद ट्रांस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जो ऑटोमेशन का टास्क है वो आर्डिनो के द्वारा कैसे कर सकते हो। तो जैसा कि हमारे अदर कंट्रोलर हैं, जैसे कि पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंट्रोलर है, उसी तरह का आपका एक आर्डिनो जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये भी एक कंट्रोलर है। ठीक है, इसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। थोड़ी लैंग्वेज अलग होती है इसकी, पर बिल्कुल ही सिंपल है। अगर आपको ऑटोमेशन का लॉजिक पता है तो सिंपली आप इसमें भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले अब जब बात आती है ऑटोमेशन बाय आर्डिनो, तो आर्डिनो एक कंट्रोलर है। और ऑटोमेशन क्या है यहाँ पर? ऑटोमेशन का दोस्तों मतलब होता है जहां पे आप ह्यूमन की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो आदमी की रिक्वायरमेंट है, उसको हटाना चाहते हो। ऐसा नहीं हम अपनी मर्जी से हटा रहे हैं, वो इतना रिपीटेटेड टास्क है कि उसके लिए किसी आदमी को लगाना बहुत बेकार चीज है। मतलब किसी ह्यूमन को भी आप किसी अच्छी जगह यूज करो ना। ऐसी चीज जो मशीन कर सकती है, उसके लिए ह्यूमन को क्यों इस्तेमाल करना? जैसे कि आप एक एग्जांपल देख लीजिए, आप एक ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम देख लीजिए। ये आपके पास रेड एलईडी है, ये येलो है, ये ग्रीन है। ये क्या करती है? ये 30 सेकेंड ऑन होती है, उसके बाद ये ऑन होती है, फिर ग्रीन ऑन होती है, फिर आपकी येलो ऑन होती है, फिर रेड ऑन होती है। तो ये क्या है? रिपीट हो रहा है टास्क। तो ये सिंपली आप किसी भी कंट्रोलर के द्वारा ऑटोमेट कर सकते हो, है ना? अगर ये ऑटोमेट नहीं होता तो क्या करना पड़ता? एक आदमी को एक स्विच, तीन स्विच लगे होते, एक स्विच को 30 सेकंड तक ऑन करे रहना पड़ता, उसके बाद दूसरा स्विच ऑन करना पड़ता, पहला बंद करके, फिर तीसरा ऑन करता, बाकी के दोनों बंद करके। तो ये जो रिपीटेड टास्क है, इनको हम क्या कर देते हैं? कंट्रोलर से रिप्लेस कर देते हैं। ऑटोमेशन आप कई जगह देखोगे, इंडस्ट्री में भी कोई टास्क रिपीटेड हो रहा है, जैसे कि बॉटल काउंटिंग है। बॉटल काउंटिंग रिपीटेटेड टास्क है। एक सेंसर आपने लगा दिया जो कि बॉटल को काउंट कर रहा है, कोई ह्यूमन की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आपने क्या कर दिया, आपका घर का एसी आप ऑटोमेटिक टर्न ऑन ऑफ कराना चाहते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से। जैसे नीचे आपका टेम्परेचर गया एनवायरमेंट का, आप ऑटोमेटिक एसी को ऑन कराना चाहते हो। ये सारी चीजें ऑटोमेशन में आती है एक तरह से। आप ह्यूमन कोई बटन वगैरह नहीं दबा रहा है, वो टेम्परेचर से सेंस करके आपको आउटपुट को ऑन करा दे रहा है। तो ये सारे जो टास्क हैं वो आप सिंपल कंट्रोलर यानी कि आर्डिनो के द्वारा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आर्डिनो के द्वारा आप कर सकते हो। ये भी एक पीएलसी की तरह ही एक कंट्रोलर है। इसमें भी अपनी पिंस होती हैं, डिजिटल डिजिटल इनपुट आउटपुट इसमें होते हैं। ठीक है, और एक एक करके हम लोग आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली सीरीज में कि किस तरह से यहाँ पे ऑटोमेशन होता है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मैं सिमुलेशन को ऑन करता हूँ तो ये किस तरह से आपका ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम है वो चलता है। आप यहाँ पे एक बटन भी लगा सकते हो ताकि जब आप बटन को प्रेस करो तो ये जो प्रोसेस है वो चलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस आपकी हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम यहाँ पे लोड कर दिया है। बहुत ही सिंपल है आर्डिनो में प्रोग्रामिंग। अगर आपको ऑटोमेशन का लॉजिक पता है तो आप ऑटोमेशन आर्डिनो के भी द्वारा बड़ी सिंपल टर्म में कर सकते हैं। एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे, इसकी पिन को भी डिस्कस करेंगे, बाकी सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग आपको मैं बेसिक से लिखना बताऊंगा कि किस तरह से हम इसमें प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हम देखते हैं आर्डिनो के बारे में। थैंक यू वेरी मच।